हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। साथियों, इसके पहले हमने सवाल नंबर 8 बता दिया था, चलिए हम 9 बताते हैं, प्रश्नावली 1.2 की। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो आप बिल्कुल हमारे साथ ध्यान लगा के ये वीडियो लास्ट तक आप देखिए। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9 है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखें साथियों हल। हल माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय कहाँ है, इसका उल्टा कर लेना है, प्रमेय कर लेना है। लिखूँ, परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। a/b के बराबर है तो क्या हो जाएगा साथियों, 3 + 2√5 बराबर a/b। a/b हो गया। अब क्या हो जाएगा साथियों, अब 2√5, क्योंकि यहाँ प्लस है, 2√5 है, यहाँ ले आइए आप, 2√5 बराबर a/b, यहाँ बराबर लगाइए a/b। अब उसका तो ये 3 है, प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तब क्या हो जाएगा साथियों, 2√5 बराबर a − 3b/b कर लेना। अब ये 2 बच रहा है तो बराबर जो क्या, √5 बराबर a − 3b, 3b अपान ए, जो 2 नीचे चला जाएगा, 2, अब b पहले से मौजूद है, b हो जाएगा साथियों, ये हो गया p, क्यों बन गया। तो अब हम चलो यही लिख देते हैं, लिखेंगे a − 3b। अब इसी को यहाँ पे लिख देते, चलो इसको हम ऐसे निशान लगा देते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ सीधे चले जाइए, 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है जबकि अब इधर देखो √5 लिखो, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बोर्ड वाली कॉपी पे इतना लिखना पड़ेगा तब जाके एग्जामिनर बढ़िया नंबर देगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्योंकि आपको सिद्ध करना है। अब लिखिए क्या, 3 यही वाला इतना उतार दीजिए पूरा, फिर लिखो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है साथियों, यही हो जाएगा आंसर पूरा। और उसके बाद फिर जो है यहीं कर दीजिए आंसर यहीं तक। तो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए प्लीज साथियों। जो लोग नए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। साथियों, ये प्रश्नावली 1.2 की 10 सवाल यानी अंतिम सवाल है, आप बिल्कुल हमारे साथ ध्यान से देखिए और अध्ययन करिए, कॉपी पे लेकर इसको नोट कर लीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे सबसे पहले साथियों हल। हल लिखेंगे माना
थ्री प्लस रूट टू एक्स, अपरमेय कहा तो परमेय कर लेना है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जो ए के बराबर है, ए के बराबर है, ए के बराबर है। अब साथियों याद करेंगे, पहले हम इसको करेंगे, देखो थ्री प्लस रूट टू इजक्वल टू ए। अब ये पहला पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो साथियों वर्ग करने पर क्या आएगा, वर्ग करने पर देखो थ्री है यहाँ, थ्री मान लो इसको हम चलो यहाँ लिख देते हैं, थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या बने, देखो इसको तीन ए बन गया और रूट टू बी बन गया, ए हो गया बी हो गया। अब क्या करेंगे साथियों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी अब बराबर है, बराबर लगा के ए स्क्वायर कर देना बस। तब क्या एक जगह तीन रखो, तीन का स्क्वायर प्लस दो की जगह पे रूट टू रखो, रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू गुड़े ए बी कितना है तीन, बी कितना है रूट टू इजक्वल टू ए स्क्वायर। तब क्या हो जाए तीन तरीका नौ प्लस ए, देखो करणी है यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से करणी खत्म हो जाए खाली दो बचेगा, दो प्लस दो तीन छः रूट टू इजक्वल टू ए स्क्वायर इतना गया साथ। अब क्या करेंगे, नौ दो ग्यारह हो जाएगा, ग्यारह प्लस छः रूट टू बराबर ए स्क्वायर, उसके बाद फिर छः रूट टू बराबर ए स्क्वायर माइनस ग्यारह, ग्यारह ए प्लस में है इधर जाएगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद साथियों क्या हो जाएगी, देखो रूट टू बराबर हो जाएगा रूट टू इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ग्यारह अपान छः, अपान छः हो गया। अब देखिए दोनों दिखाई दे रहा है, ठीक है देखो रूट टू यहाँ रहेगा, रूट टू यहाँ और छः नीचे चला जाएगा। अब देखो ये पी बन गया क्यूब, अब लिखो अतः यहाँ लिखो ए, यहाँ के बाद यहाँ चले जाओ, यहाँ के बाद साथियों यहाँ चले जाइए, अब ए स्क्वायर माइनस ग्यारह अपान छः, एक परिमेय संख्या है जबकि अब क्या है, देखो रूट टू है, रूट टू देखो रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है किंतु एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा साथियों, फिर यहीं उतार लीजिए, लिखो थ्री प्लस रूट टू एक पूरा यहीं कर दिया क्योंकि सिद्ध करना है एक अपरिमेय संख्या है साथियों। ये सवाल पूरी हुई, ये आंसर आ गया, आप लोग यहाँ से लेके साथियों यहाँ तक नोट कर लीजिए। प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए। तो साथियों ये प्रश्नावली 1.2 पूरी हुई, इसी के साथ हम अगला टॉपिक अब फिर आपको प्रोवाइड जल्दी कराएंगे। धन्यवाद।